हाय दोस्तों, मैं बिंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल टेक्निकल बिंदर सिंह में। आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से एक जीमेल न्यू क्रिएट अकाउंट बनाया जाता है, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, उससे थोड़ा ध्यान से देखिए। चलो शुरू करते हैं। हाय दोस्तों, आज हम बनाना सीख रहे हैं कि गूगल अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखें गूगल क्रिएट अकाउंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आप पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे नीचे कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा क्रिएट गूगल अकाउंट, तो यहाँ पे ओके करेंगे तो ये सीधा उसी पेज में आपको ले जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो अब मैं फर्स्ट नाम डाल दें आप और लास्ट नाम डाल दें, उसके बाद यूजर नेम चूज कर लें। यूजर नेम इस तरीके से चूज किया जाता है कि ध्यान रखिए अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालने के बाद में आपको, ठीक है, यहाँ पे आपको ओके करना है। यहाँ पे तो ओके करोगे इस तरीके से तो ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। दोबारा से डाल दें एक बार, ठीक है। डालने के बाद मैं पासवर्ड डाल दें, पासवर्ड अपने हिसाब से डाल दें आप, मिनिमम हो जाए मैक्सिमम जो होता है वो 10 या 8 का होता है, आप 8 से ऊपर बना सकते हैं। कंफर्म करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट ओके कर दें। तो इसके नीचे कुछ लिखा हुआ है इस तरीके से, देखिए यहाँ पे जो विंदर सिंह, ये अपने हिसाब से सर्च अवेलेबल देता है कि इसमें अब तीन ऑप्शन है आपके पास, तीनों में से आप क्या चूज करना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, जैसे ये 460, ठीक है। तो ये हमने किया, चूज कर लिया वो, तो ऑटोमेटिक @gmail.com लिखा हुआ, नेक्स्ट कर दें, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे एक नंबर देना होगा, ठीक है। नंबर डाल दें आप, नंबर डालने के बाद में आपको यहाँ पे एक मैसेज आएगा तो OTP आएगी, आप उस OTP को यहाँ पे डाल दें, ठीक है। OTP डालने के बाद में आप उसको वेरीफाई कर दें। अब यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट में ये होता है बिंदर सिंह वेलकम टू गूगल, तो ये आपको पोर्शन मिल गया। मान ले आप भविष्य में कभी भी आप पासवर्ड भूल गए तो भाई पुराना अकाउंट है, आप उसमें बहुत सारी चीज़ें सेव कर सकते हो, अपनी पर्सनल फ़ोटो है, कॉन्टैक्ट नंबर हैं, अदर आप कोई डॉक्यूमेंट्स वो भी सेव कर सकते हैं। तो वहाँ आप रिकवर करने के लिए यहाँ पे एक पुराना जीमेल डाल दें, ठीक है। जैसे हम डाल रहे हैं अपना पुराना जीमेल, तो इस तरीके से आप अपना जीमेल डाल दें, डेट ऑफ बर्थ डाल दें अपने हिसाब से, ठीक है, जो आपका है डे डाल दें, ठीक है। जेंडर चेंज, जो जेंडर है उसको आप डाल दें, मेल डाल दें। उसके बाद कुछ नहीं करना आपको, नेक्स्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए गेट मोर योर नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आप यस एम पे ओके कर दें, तो ये तो हो गया, देखिए सबसे पहले नेक्स्ट और एग्रीमेंट, तो ये अकाउंट इस तरीके से क्रिएट हो जाता है। तो ये बहुत ही सरल है ये चीज़ें, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो ये देखिए ये अकाउंट बन चुका है। तो गूगल अकाउंट जो अपने को सर्विस देता है वो देखिए यहाँ पे ये है, गूगल एक तो अकाउंट्स है, असिस्टेंट है, गूगल सर्च है, मैप है, यूट्यूब है, गूगल प्ले है, गूगल न्यूज़ है, जीमेल है, गूगल मीट है, कॉन्टैक्ट्स है, और उसके बाद गूगल ड्राइव है, कैलेंडर है, ट्रांसलेट है, फ़ोटो है, गूगल डबल ऐप है, शॉपिंग है, तो बहुत सारे फ्यूचर्स देता है, जो कि डॉक्यूमेंट्स है, सीट्स है, स्लाइड्स है, ब्लॉगर्स हैं, ये सब भी जो फ्यूचर्स हैं, ये आर्टिकल्स है या आर्ट है या कलेक्शन है, जितने भी इसमें दिए हैं, जंप बोर्ड्स हैं, क्लासरूम है, ये सभी गूगल पे सर्विस प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं वीडियो, ओके। अब तक कोई ऐसी इसमें कोई बात ही नहीं है,
और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि आप किस तरीके से गूगल अकाउंट को डिलीट करते हैं। ओके, धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं और हम बताएंगे कि आपको किस अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन जरूर बताएंगे आपको। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, FB पे फॉलो कर सकते हैं।